दोस्तों ये है ट्रांजिस्टर का अस्टेबल मोड, यानी कि कभी ये कोई भी ऑफ कंडीशन में या फिर ऑन कंडीशन में स्टेबल नहीं है, इसलिए इसे अस्टेबल सर्किट बोला जाता है। तो दोस्तों अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट कैसे बनाया जाता है, कैसे ये काम करते हैं, वो समझेंगे आज के वीडियो में। इसके लिए आपको दो फर्स्ट टाइम आपको दो एनपीएन कोई भी ट्रांजिस्टर ले लेना है। मैंने यहाँ पे BC548 ट्रांजिस्टर लिए हैं। तो दोस्तों ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज चाहिए, तो ये माइनस वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज इस जगह पे दे रहे हैं। अभी दोस्तों ट्रांजिस्टर को ग्लो करवाने के लिए बेस पे आपको वोल्टेज देना चाहिए, इसलिए हमने रेजिस्टेंस लगा दिए। जैसे ही बेस पे वोल्टेज आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ग्लो होगा, मतलब कि जल पड़ेगा। इसी तरह ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, इसको भी ग्लो कराने के लिए बेस पे वोल्टेज देना पड़ेगा, तो यहाँ पे बेस का रेजिस्टेंस लगा दिया। और दोनों अलग अलग कलर के रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस है 1K का, फिर LEDs भी है। रेजिस्टेंस का वैल्यू, ट्रांजिस्टर का वैल्यू पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। सबसे पहले ट्रांजिस्टर को प्लेस कर देते हैं। दोनों अलग अलग, एक के साथ दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, बस आपको दो ट्रांजिस्टर एक एक ट्रांजिस्टर में लगाना है। दो रेजिस्टेंस, एक जाएगा कलेक्टर के वोल्टेज देखने के लिए, दूसरा बेस पे और बेस में वोल्टेज देने के लिए, क्योंकि जब भी बेस पे वोल्टेज आएगा तभी ये LED ग्लो होगा। हमने यहाँ पे 12 वोल्ट पे यूज़ करके कर रहे हैं, दोनों LED यहाँ पे जल रहे हैं। अभी सर्किट में फिर से वापस आ गए, तो जैसे LED ग्लो हो रहा है तो ये ट्रांजिस्टर होने के लिए एक स्विच की तरह काम करता है, तो अंदर से शॉर्ट होता है। तो जो LED लगा है उसका जो ये वाला पोर्शन है, तो ये शॉर्ट होने के लिए जब ये शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट होता है। दोनों जो LED है उसका जो ट्रांजिस्टर है कलेक्टर में नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट होता है। तो जैसे ही ये LED ऑन होता है तो ये LED को बंद करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो दोस्तों, जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ करना है, ये मेन फंक्शन है। और जब ये ऑन होगा तो दूसरा ऑफ करना है। तो इस फंक्शन को करने के लिए क्या करना होगा, देख लीजिए, दोनों को पहले अलग अलग से आप ग्लो करवा लीजिएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो कलेक्टर में यहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो ये जो नेगेटिव वोल्टेज है आपका दूसरा जो साइड में जो आपका ट्रांजिस्टर है उसका जो बेस है वहाँ पे आपको ये जो नेगेटिव वोल्टेज उसको दे देना है। डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करना, यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है, कैपेसिटर का वैल्यू भी बताएंगे। तो ये कैपेसिटर लगाना है, जैसे कैपेसिटर यहाँ पे जाएगा बेस पे जाएगा तो कुछ सेकंड के लिए ये बंद हो जाए, कुछ सेकंड क्या, ये माइक्रो सेकंड के लिए बंद होगा। तो जैसे ये बंद हो जा रहा है तो ये वाला जो बेस का जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर होने के लिए फिर से ये चार्ज कर दे रहा है, और चार्ज करने के लिए फिर से वो चल जा रहा है, मतलब तो स्टेबल नहीं है। इसी तरह इसका भी कलेक्टर में जो नेगेटिव वोल्टेज हो रहा है तो इसको भी एक कैपेसिटर की मदद से दूसरा जो साइड में ये वाला ट्रांजिस्टर इसका बेस में आपको लगाना है। तो इसका कलेक्टर से इसका बेस और दूसरे का कलेक्टर से जो अलग साइड में है उसका बेस में, इसका कलेक्टर उसका बेस, उसका कलेक्टर इसका बेस, ये है। इस तरह से करने से आपका जो नेगेटिव वोल्टेज है इसका बेस में जाएगा तो कुछ सेकेंड के लिए, मतलब सेकेंड से भी कम। ये है एमिटर पोर्शन, ये है कलेक्टर, और मिडिल में है बेस, दोनों ट्रांजिस्टर का सेम ही है। तो एक बार चलेगा दूसरे बार बंद होगा, एक बार चलेगा दूसरे बार बंद होगा, और ये जो कंडीशन है ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ये चलता रहेगा। यानी कि एक बार ऑन हो रहा है उसी उस दूसरा ऑफ हो जा रहा है, और फिर से ऑन हो रहा है फिर से ऑफ हो जा रहा है। तो इसके लिए एक वेव जनरेट होता है, स्क्वायर है। देखिए ऑन, जैसे ही ऑन हुआ फिर ऑफ, ऑफ जो है नीचे में जो दाग जा रहा है वो है ऑफ, तो ऑन ऑफ ऐसा होता है। तो पहले तो हम LED को ग्लो कर लिए थे, तभी प्रैक्टिकल में देख लीजिए कैसे काम करता है। तो ये वही LED है। तो अभी यहाँ पे 4.7 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर लिया, तो इसका बेस से दूसरे का और दूसरे का कलेक्टर से इसका बेस में जैसे ही लगा दिया, दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो मोड है कोई LED स्टेबल नहीं है, अस्टेबल मोड में चला गया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसा हो रहा है। बहुत ही सिंपल सर्किट है, अब अगर समझ लेते हो ठीक से आपका सर्किट डायग्राम का जरूरत नहीं होगा, आप ऐसे ही बना सकते हो। जैसे कैपेसिटर को ओपन कर लेते हैं तो ये फिर से स्टेबल मोड में चला जा रहा है, और इस कैपेसिटर और बेस का जो रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटर और बेस का रेजिस्टेंस का वैल्यू से ही इसका जो स्टेबल मोड है वो डिपेंड करते हैं, कितना टाइम ऑन रहेगा कितना टाइम ऑफ रहेगा। अभी तीन जो ट्रांजिस्टर, तीन ट्रांजिस्टर को लेकर देखेंगे।
सभी एलईडी को ग्लो करवाने के लिए 1K का रेजिस्टेंस हमने यूज किए हैं। अभी तीन ट्रांजिस्टर को जो भी कर रहे थे तो यहाँ पे 47 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस हम बेस पे दिए हैं। तो दोस्तों 1K रेजिस्टेंस से एलईडी को दिए हैं और बेस में आपका ये देखो अभी इसका कलेक्टर दूसरे का बेस और दोस्तों बेस में हम 47 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यूज़ किया है। तो इसके कलेक्टर उसका बेस और इसका कलेक्टर उसका बेस, मतलब कि एक का कलेक्टर से दूसरे का बेस में हम दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो तो बहुत ही इजी है, इसका कलेक्टर उसका बेस, इसका कलेक्टर उसका बेस, इसका कलेक्टर उसका बेस, इसी तरह से ये सर्किट आपका डिज़ाइन करना पड़ेगा। पहले तो आप सभी एलईडी को अलग अलग करके अब जला लो, मतलब कि ग्लो कर लो, उसके बाद जो बेस में जो कैपेसिटर है वो चेंज कर लो। प्रैक्टिकल में देखिए वही 4.7 माइक्रोफेरेट का हमने कैपेसिटर लिए हैं और देखो इसका बेस से दूसरे का कलेक्टर में और ये लार्ज वाला जो है इसका कलेक्टर में हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, मगर जो यहाँ पे बेस है वो काफ़ी दूर है यार, इसलिए हमको एक जम्पर चाहिए होगा। ये रेड वायर से हम इसका जम्पर बना दिया, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे लगा दे रहा है देखो यहाँ पे, हाँ जैसे हमने लगा दिए तो ये जल उठा है। देखिए अभी तीन एलईडी अलग अलग करके अस्टेबल मोड में चला गया, एक जल रहा है तो दूसरा बंद हो जा रहा है, एक जल रहा है दूसरा बंद, ये अस्टेबल मोड है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांजिस्टर के यूज करके कैसे अस्टेबल जो फंक्शन है वो किया जाता है, ठीक है। अगर आप नया डिज़ाइन कर रहे हो तो पहले एलईडी को ग्लो कर लो, उसके बाद देखो इसका कलेक्टर से ये पॉजिटिव से ये जा रहा है, नेगेटिव वाला पोर्शन उसका बेस में जा रहा है, फिर वही इसका कलेक्टर उसका बेस में गया, फिर इसका कलेक्टर जो है ये देखो यहाँ से आके ये 4.7 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है पहले का बेस में, तो इसका कलेक्टर दूसरे का बेस, ठीक है। बहुत ही मतलब कि बहुत ही आसान सा सर्किट है, बहुत ही ईजी है। बड़ा वोल्ट ट्रांसफार्मर था मेरा, उसी से पावर सप्लाई ले रहा है। आप चाहो तो 5 वोल्ट से ग्लो कर सकते हो, 9 वोल्ट से भी ग्लो कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगला किसी नए वीडियो में।